नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ प्रोवाइड सीएस चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो पिक्चर था उसको पिक्चर लगाना, पिक्चर को डिजाइन करना, उसकी फॉर्मेटिंग पूरा हम लोगों ने ए टू जेड हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कोई डिजाइनिंग करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आता है सेप, सेप नहीं, सेप से पहले आता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है? जो पहले से पिक्चर है, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, पिक्चर उठा उठा के लगा रहे थे। अब हमें क्या चाहिए कि जो पहले से सिस्टम में दिए हैं हम उनको यूज कर पाएं। बाई चांस हमारे कंप्यूटर में है नहीं, हमने सेव करके डाउनलोड करके नहीं रखा है, तो हमें क्या करना है कि पहले से जो बनी हुई है या डिजाइन हमें दी गई है तो हम उसका यूज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिपबोर्ड में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। तो बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो ये बॉक्स है इसके अंदर लिख देंगे कि हमें कैसी पिक्चर चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैमरा। ठीक है, हम कैमरा लिख के और यहाँ पे गो कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैमरा की दो पिक्चर आ चुकी है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर और गो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आ चुका है। तो आप ये क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये पिक्चर आ चुकी है। अब पिक्चर को आप जैसा, जैसे हम लोगों ने इस पिक्चर को अच्छे से डिजाइनिंग करा था, फॉर्मेटिंग करा था, तो सारे ऑप्शन आए थे, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज कर करके आप जितना चाहें उतनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये अगर आपने पिक्चर वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिक्चर को कैसे एडिट करना है, क्योंकि ये सेम टू सेम वैसे ही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। सारे फ्रेम लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम फ्रेम लग गया है, और इसको टेक्स्ट वैपिंग होगी, रोटेशन, अलाइनमेंट, सारा सेम टू सेम वैसे ही ऑप्शन दिया है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पे सेप। जो सेप है वो यूज होने वाला है आगे, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेप में गए और यहाँ पे हम लोग सेप यूज करते हैं, ये वाला है। ये नहीं, हम लोग ये वाला यूज करते हैं। ये हमने सेप ड्रॉ करा, यहाँ पे देखिए हम लोग अगर शिफ्ट दबा लेंगे तो हमारा जो सेप है वो बराबर काम करेगा, देखिए। ठीक है, अगर हम लोग सेप नहीं दबाते, देखिए लंबा सा हो गया, ओवल टाइप में बन गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेप में गए और सॉरी क्लिप बोर्ड क्लिक हो गया, सेप में गए हम लोग और यहाँ पे कोई भी एक सेप लेंगे। हमने ये क्लिक करा सेप, अब यहाँ पे इसको देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा दूँ, शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। मैंने शिफ्ट दबा के रखा है और ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए कितना भी मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ तो भी ये जो सर्कल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, फिर ड्रॉ करना है, और फिर मैंने ड्रॉ करके अब पहले माउस छोड़ना है। माउस को जो क्लिक आप दबा के रखें उसको छोड़ देंगे, फिर आप शिफ्ट छोड़ेंगे। बाई चांस आपने क्या करा, इंसर्ट पे गए, सेप पे गए, आपने शिफ्ट दबा लिया है और आप ड्रैग कर रहे हैं, अब आपने क्या करा, पहले शिफ्ट छोड़ दिया फिर आप माउस छोड़ेंगे। मैंने पहले ये शिफ्ट छोड़ दिया, माउस छोड़ दिया, देखिए ये किस तरीके से बना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, पहले माउस का क्लिक छोड़ना है, फिर आपको कंप्यूटर में ये जो आपका शिफ्ट की है उसको छोड़ना है। ठीक, तो ये हो गया। अब आप इस शेप को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेप डिजाइन कराई तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ड्राइंग टूल खुल गया है, ड्राइंग टूल के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, जो अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए शेप को सेलेक्ट नहीं करा, जो हमने ड्राइंग करा है यहाँ पे, जो भी शेप लिया था हमने उसको सेलेक्ट नहीं करा, तो यहाँ पे ड्राइंग टूल हट चुका है। जब भी आपको कोई शेप को डिजाइनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग टूल है और इसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस शेप को आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे और भी शेप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब इस तरीके से चाहिए ट्रायंगल, तो हम लोग यहाँ पे से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार वहां जाके इंसर्ट से जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले से एक शेप ट्रैक करके रखा है। ठीक है, तो आगे आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट के लिए आता है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे से। ठीक है, एक बार और करके दिखाते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, तो लिखना कैसे, हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, इस बटन को क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, देखिए अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इसके अंदर भी आपको कुछ लिखना है आप फॉर्मेट में जाके और यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट अभी पहले ही लिख के यहाँ पे चूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसी को नया लेते हैं तो ऑप्शन अलग आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने डिलीट करा, इंसर्ट पे गए, सेव में गया मैं, और वापस इसको ट्रैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, जैसे हमने ये पिक्चर में के अंदर हमने कुछ लिख दिया, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हमने लिखा है इसके लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला तो ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेक्स्ट। ड्रॉ टेक्स्ट क्या होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ,
तो ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ से इसको नहीं लिखना चाहते, आप डिलीट कर दीजिए। और इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो काम कैसे करता है। डायरेक्शन हम लोगों ने टेबल में देखा था कि टेबल के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका डायरेक्शन कहाँ, ऊपर साइड घुमाना है, नीचे साइड घुमाना है, राइट लेफ्ट कैसे घुमाना है, तो हम लोग ऐसे घुमाते थे। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन में हमने क्लिक करा, देखिए नीचे साइड हो गया, और घुमाएंगे तो ऊपर साइड हो गया, और घुमाएंगे तो नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्रिएट लिंक की ये अभी मैंने यूज नहीं करा है इतना, इसका यूज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बॉक्स आता है, तो आपको ये क्या करना है इग्नोर करना है, आपको अभी यूज नहीं करना। अगर कभी इसका यूज पता चलता है तो हम लोग आपको बताएंगे, तो अभी आपको यूज नहीं करना है। अभी जब अगर बाई चांस आपने क्लिक कर दिया तो आपको क्या करना है, डिलीट बटन दबा देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सेव चेंज सेलेक्ट करा। अब सेव के अंदर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ये फॉर्मेट करते हैं इसको, तो ये आपको समझ में आया होगा ये तीन ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो ये आता है यहाँ पे सेव स्टाइल, तो आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला यूज करता हूँ, और भी ऑप्शन है, आप जैसा चाहें ऐसा ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस आपको ये सेव जो यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अभी व्हाइट कलर है, आप फिल करना चाहते हैं येलो कलर। सेव का आउटलाइन क्या है, ये ऐसा रेड रेड है, आप चाहते हैं इसको ब्लैक कलर, ब्लैक खतरनाक दिख रहा है, हम लोग रेड चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेव का जो फिल कलर है वो चेंज कर सकते हैं, सेव का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा पूरा सेव ही चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेंगल को चेंज करके दिखाते हैं। फॉर्मेट में गए, चेंज सेव, अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इस सेव से। देखिए ये चेंज हो चुका है, इस टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये जो सेप है उसका जो डिजाइन है आपको चेंज दिख रहा है, आप यहाँ पे चाहें तो इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे शेडो इफेक्ट। तो ये हमारा जो ये सेप है इसके अंदर हम लोग शेडो इफेक्ट लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम गए और ये देखिए शेडो, हमारी ये पिक्चर है उसका शेडो ये पीछे साइड बन गया है ना, आपको दिख रहा होगा शेडो। शेडो मतलब जो आपकी परछाई है, तो ये हमारा सेप है, इस सेप का जो परछाई है वो इधर दिख रही है। आप परछाई को घुमा भी सकते, देखिए ऐसे ऐसे करेंगे ये परछाई भाग रही है, दिख रही है आपको, नीचे आ रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। तो इस शेप की जो परछाई है आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे 3D। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया, इसलिए 3D वाला देखिए काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला शेडो इफेक्ट वाला यूज कर लिया। तो हम लोग इसमें तो शेडो इफेक्ट यूज नहीं करे, तो इसमें काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट में क्लिक करा और ये 3D इफेक्ट काम कर रहा है। अब देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया, तो एक नट के जैसे दिख रहा है, नट बोल्ट जो होता है उसके जैसे, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 3D इफेक्ट लगा सकते हैं। ये ठीक दिख रहा है, ये हो गया। अब इसको आप चाहें तो ऐसे से घुमा भी सकते हैं, देखिए ठीक है। तो इस तरीके से हम घुमा लिए, इसका भी हम लोग थोड़ा इफेक्ट डाल देते हैं इसके अंदर। अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने 3D लगा के रखा। एक बार वापस अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फिल हो चुका है, देखिए यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेप है उसके आप 3D इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर आता है पोजीशन। पोजीशन जैसे हम लोग अपना जो पिक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा था, उसको आपको पोजीशन कैसे लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, टॉप बॉटम कहाँ रखना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पहले, ज़्यादा उधर जा रहा है इसको पीछे, ये इसको हम लोग उठा के लगाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल वाई कंट्रोल एक्स। अब देखिए हम लोग लेके आते हैं इसको यहाँ पे, कंट्रोल वी। तो जो हमारा पिक्चर है वो यहाँ पे आ चुका है सेव, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सेव है वो आ चुका है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इस साइड में आना चाहिए, तो हम लोग इसका पोजीशन सेट कर देते हैं, सेंटर में चाहिए फिलहाल। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है इस सेव के पीछे चला जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे, टेक्स्ट पोजी सॉरी टेक्स्ट मैपिंग में जाएंगे और जो टेक्स्ट है उसको बिहाइंड कर देंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर आ चुका है, जो हमारा सेप है वो पीछे चला गया, ये हमने उल्टा कर दिया, हम लोग इसको सीधा कर देखिए। तो जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया, हमारा सेप जो है वो ऊपर आ चुका है आगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका पोजिशन कर सकते हैं। पर हम लोग ये चाहते हैं कि जितना यहाँ पे सेप है उतना बस नहीं आना चाहिए, बाकी पूरे में टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे इसको मैपिंग और इसको कर देंगे टाइट। तो देखिए यहाँ पे इससे सटके हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो सेप है उसके अंदर आप जो टेक्स्ट है उसको फिट कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट वाइपिंग वाला काम है या पोजीशन वाला काम है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप अलाइनमेंट यूज करके ये वाला पोजीशन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, टेक्स्ट वाइपिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो अलाइनमेंट दिया हुआ है उसको आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
तभी हम लोग इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं। आगे आता है रोटेशन। रोटेशन कैसे यूज करता है, 90 डिग्री घुमाना इसको, ये देखिए वर्टिकली हॉरिजेंटल। तो घूम कहाँ रहा है, आपको सोच रहे होंगे कि घूम तो रहा नहीं है, घूम रहा है ये, कहाँ घूम रहा है, ये घूम रहा है ना। तो इसको अगर हम लोग शेप चेंज कर देते हैं ना, चेंज शेप के अंदर जाके ये बॉक्स, तो आपको दिखेगा इसमें, इसमें भी शायद ही दिखेगा क्योंकि ये बॉक्स है। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा बॉक्स का ये साइड था, ये पीछे जा चुका है ना, ऊपर आ चुका है राइट साइड में ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। और अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप यहाँ साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, हाइट है, हाइट बढ़ रही है, ऐसे आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। आप सोच रहे होंगे हाइट बढ़ा रहे हैं तो विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ा रहे हैं हाइट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रोटेशन हमारा ऑन है इस वजह से। ये देखिए, अब हाइट बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ा रहे हैं तो विड्थ बढ़ा रहा है, क्योंकि ये कितने डिग्री घुमा है, 90 डिग्री। अगर आप घुमाना भी चाहते हैं यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये फुल घूम चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है हाइट और ये विड्थ बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग, पूरी हो चुकी है, डिजाइन हो चुकी है। और ये हमारा शेप जो था उसके अंदर हम लोगों ने लिखना भी देखा था, लिखना कैसे है एक बार और बता देते हैं, क्योंकि लिखना जो है तो हर जगह यूज होने वाला है। तो ये जो हमारा शेप है इसके अंदर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे स्माइल लिख देते हैं हम लोग, कंट्रोल ए करेंगे। अब इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग जो है सेम टू सेम जैसे आप पहले करते थे, यहाँ पे ये सेंटर मिला दिए, आप टेक्स्ट का जो डिजाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आपको, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर जो है चेंज करना है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो फॉर्मेट है शेप जो है उसको कैसे यूज करना है, तो इस तरीके से आप आराम से यूज कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, जो हमारा सेफ है वो कंप्लीट हो चुका है। जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्मार्ट आर्ट समझेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ भी चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।